ज्वाली उपमंडल के तहत कुठेहड़ गांव में रास्ते व सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण डीसी कार्यालय धर्मशाला पहुंचे। शीघ्र रास्ते व सड़क का निर्माण न होने पर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क व रास्ता न होने की वजह से कुठेहड़ पंचायत के बाढ़ दो के करीब 40 परिवार परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने डीसी को बताया कि करीब 20-25 सालों से रास्ते का निर्माण कार्य लटका हुआ है, जबकि मनरेगा के तहत रास्तों का निर्माण किया जाता रहा है। वार्ड दो में 35 से 40 परिवार रहते हैं, ऐसे में इन परिवारों की सुविधा के लिए रास्ते का निर्माण भी किया जाना चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने गांव को जाने वाली सड़क का मामला भी डीसी के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क न होने की वजह से किसी के बीमार होने पर उसे चारपाई पर डालकर या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुँचाना पड़ता है। कुठेहड़ पंचायत के वार्ड नंबर दो के ईश्वर कुमार ने बताया कि गांव में 40 के करीब परिवार रहते हैं, लेकिन रास्ता न होने की वजह से अक्सर परेशानियों से जूझना पड़ता है। कहां से आए हैं और क्या समस्या? जी, मेरा नाम ईश्वर है, कुठेहड़ से आया हूं, वार्ड नंबर दो से। ये समस्या हमारी ये कि हम काफी सालों से पीछे पड़ रहे हैं प्रधान जी के, एमएलए साहब के, कि हमें रास्ता दो पक्का, हमें सड़क दीजिए। हमने सड़क के लिए भी काफी बार उनको बोला, इवन कि हमने एफिडेविट भी दे दिए कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं अपनी सड़क के, मतलब अपनी जमीन पे सड़क बनवाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी देखा होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि सिर्फ एक दिन के लिए जेसीबी चली थी, लेकिन अभी मैंने चेक किया मनरेगा की वेबसाइट पर, तो यहाँ तो सारा कुछ घोटाला ही है। ये मैंने मनरेगा की वेबसाइट से निकाला तो यहाँ पे मई मंथ से काम हो रहा है। दूसरा रहा सड़क के ऊपर, तो सड़क के ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा। प्रधान जी कह रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। अभी उनकी कल ही एक स्टेटमेंट सुनने को आई है प्रधान जी की, कि ये तो लोग गांव वाले तो हम मेरे से एक बार भी पूछने नहीं आए कि आज ये सड़क क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने साल से हम बोल रहे हैं उन्हें कि भाई बना दो, इवन कि हमने लिखित में भी दिया उन्हें कई बार कि करो कुछ, पर नहीं किया। तब वो कह रहे कि नहीं, मुझे तो लिखित में कुछ दिया ही नहीं है। तो ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात आ गई कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। दूसरी बात, चलो ठीक है, मान भी लिया कि हमने नहीं दिया, लेकिन उनको नहीं दिख रहा 20-30 सालों से कि वहाँ पे भाई सड़क ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि ये वार्ड नंबर उन्हीं की ही घर के पास में आता है, ये हमारे ही वार्ड में आता है प्रधान जी का घर। फिर हम मजबूरन बहिष्कार करना पड़ेगा चुनाव का, इसके लिए ये पंचायती चुनाव है। जी, अगर पंचायती चुनाव तक भी नहीं हुआ तो फिर हम जो अभी नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसमें हम बहिष्कार करेंगे। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने 20-25 साल से रास्ते का निर्माण न होने की बात कही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित वीडियो को निर्देश दिए हैं कि इसको मनरेगा सेल्फ में लिया जाए और काम को तुरंत पूरा करवाया जाए। देखिए, ये जो इनकी मांग थी कि पिछले 20-25 सालों से वो एक रास्ते का डिमांड कर रहे हैं और वो रास्ता कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मैंने वीडियो को निर्देश दिया है कि इसको मनरेगा के शेल्फ में इसको लिया जाए और तुरंत काम को पूरा किया जाए। जो जमीनी स्तर से मेरे को रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि 1800 मीटर जो लंबा रोड है उसके लिए शेल्फ ऑलरेडी डाल दी गई है और लगभग 300 मीटर का जो पैच है उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। तो आने वाले समय में मनरेगा के अंदर इस जो ये जो रास्ता है इसको पूरा अपनाएंगे।